वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत दिनों बाद एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का शीर्षक है इच्छा पूरी करने वाला पेड़, और ये कहानी राजस्थान के लोक कहानियों में से एक है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये इच्छा पूरी करने वाले पेड़ के कहानी क्या है। तो एक दिन की बात है, एक मुसाफिर एक डेज़र्ट में से जा रहा था, गुज़र रहा था चलते चलते। वो बहुत थक गया था। उसने कहा, काश यहाँ कोई मुझे पेड़ मिल जाए जिसकी छाया में मैं बैठ सकूँ। अचानक से धरती को चीरकर एक पेड़ निकल आया और वो उसके शेडो में, उसकी छाँव में जाके बैठ गया। ठंडी हवा उसको लग रही थी, अच्छा लग रहा था उसको, थक गया था वो। थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगी। उसने कहा, काश मुझे यहाँ आसपास पानी मिल जाए। तभी पेड़ की पत्तियाँ झरी और एक कलश में उसको पानी मिल गया। वो सोच रहा, अरे वाह, ये पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी देर बाद उसे बहुत ज़ोर की भूख लगी, तो उसने फिर से एक विश मांगी, एक इच्छा की कि काश मुझे यहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। तभी पेड़ ने फल फेंक दिए उसकी तरफ, उसको फल दे दिए। उसने बोला, वाह, ये फल तो एकदम मीठे हैं, मज़ा आ गया। पेट भर के उसने खाए फल। थोड़ी देर बाद वो थक गया। उसने कहा, अब बस मुझे एक अच्छा सा मंजा मिल जाए, वहाँ मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर सो जाऊँगा। बैठ के नहीं, लेट के, क्योंकि हम लेट के सोते हैं ना। तो उसने कहा, मैं आराम से लेट कर सो जाऊँगा। उसकी वो मनोकामना भी पूरी होगी। वो अचानक से एक मंजे पर लेटा हुआ था और वो गहरी नींद में सो रहा था। चूँकि वो बहुत थक चुका था, उसने दोबारा एक इच्छा करी, काश यहाँ कोई एक अप्सरा आ जाए जो मेरे पैर दबा दे। उसी समय एक अप्सरा आके पैर दबा देती है। ऐसे ही चलता गया। उसने अपनी नींद अच्छे से पूरी करी और जब वो जागा, उसने देखा मंजा भी है, कलश भी है, पैर भी है, अप्सरा भी है। उसने बोला, अब तो ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मेरा सपना है या ये हकीकत है। तो उसने एक और विश करी। उसने कहा कि काश अब मुझे एक राक्षस नज़र आ जाए। वो अप्सरा अचानक से राक्षस का रूप ले लेती है और उसके पीछे पड़ जाती है। बड़े प्यार से इसने पूछा, राक्षस जी, क्या आप मुझे खाएंगे? राक्षस बोलता, हाँ, मैं अब तुम्हें खाऊंगा। ये तो वहाँ से भागा। 9-2-11 हुआ। उसने बोला, हाय, ये तो सपना नहीं था, ये तो हकीकत थी, अभी मेरी जान चली जाती। तो इसी से हमें ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप कभी भी कोई भी विश मांगे तो उसको सोच समझ कर मांगिएगा, पता लगे लेने के देने पड़ गए। इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।